मैं जैन बाबू, आज मेरे घर में टिक्का पार्टी रखी है तमाम दोस्तों ने, फ्रेंड्स ग्रुप में। अभी मजा आएगा ना भीड़। और आहिस्ता आहिस्ता करके जो सारे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पहुंचा कोई नहीं है। 9 बजे का टाइम दिया था और लापरवाही इतनी है कि अभी तक कोई भी नहीं आया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जी, एक जो है इनमें से हस्ती एक आई है, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम साहब, ठीक ठाक। अरे साजा, तेरी ये ड्यूटी लगी है यार? फिर जब टिक्का पार्टी का प्रोग्राम आपने बनाया तो फिर जिम्मेदारियां तो। चलो जी, साजा साहब आ गए अब, साथ साथ और कौन है? ओ हो हो हो, शहजाद भैया भी कर गए हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। ओ माय गॉड, ये बकवास घर से मसाला लगवा गया है। साजद ऊपर बैठा हुआ है। चलो अब सारी बातें बाहर ही करके। नहीं, चलो इधर तुम। समझ रहे हो ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, ये साजिद साहब रोशनी में करते करते ये देखो पूरी अंगीठी उल्टा दी। यार साजिद, कोई सीधा काम नहीं भरावा तेरे को। अपने ये शख्स एक ऐसी शख्सियत है कि गरम गरम सीख। यार गाला क्यों कर दे एक दूजे नु? साला कोई गल नहीं, हो जांदा की। हां मलिक साजी साहब, आप एक अकलमंद और शहजाद साहब, माशाल्लाह क्या बात है। और वकास साहब अपनी ड्यूटी दे रहे ने, और बाकी तमाम दोस्त अपनी ड्यूटी दे रहे, सिर्फ खान का इंतजार कर रहे ने। पा एडी लंबी कॉल किदी आ गई तेनू अज? यार पा ना, आज जैन साहब की ये जो है ना भेड़, अच्छा इसका 40,000 रुपया वकास पाने लगा दी है। ओए उधरो बहा ना, उधरो बहा मरे। अभी बोली चालू है, जैन ने 50,000 किया, इसका ना 40,000 रुपया लग चुका है भाई। डील अभी जो है ना मुकम्मल नहीं हो चुकी। मैं ये हरगिज सेल नहीं करूंगा, और ये काली शक्ल वाला इंसान पता नहीं चोर नुमा, ये पता नहीं क्या करना चाह रहा है, कभी नीचे जाता कभी ऊपर आता, ये करना क्या चाह रहा तू? ओवे कच्चियां बोटियां खान लगा मेरे माल का। तपा के रख दिया, यकीन करे बर्तन इतने धोने वाले पड़े हुए ना, अभी मुंह नहीं धोया, और मुझे टेंशन पड़ी हुई है कि बर्तन धोने हैं, ठीक है। और बर्तन अगर ना धोए तो घर वालों ने मुझे धो देना, ये पक्की बात है, ठीक है। एंकर शैंकर बाकी सारी चीज़ें घर से बाहर है भाई जान, अपना टोर टप्पा, अपना तलकदारी, अपना जो कुछ भी है ये घर से बाहर है। यहाँ पर कोई सेवा सुवा नहीं। हाँ रिस्पेक्ट मिलती है कुछ चंगा काम करो तो। हुण बंदा पूछे पूरा टब्बर भांड्या दा तुसी जिहड़ा बर्बाद करके गंदे करके रख दियो, ठीक है। उत्तों घर कोई ना होवे, घर सफाइयां गंदियां हो गईयां हुण, ठीक है, मतलब गंद शंद पड़ा हो तो घर वालों ने तो बोलना भाई जान। यकीन करे मुझे नींद नहीं आ रही, मैं आधा घंटा के लिए अभी सोया ही हूँ तो मुझे फिर जाग आ गई है कि भाई जान काम खराब है, क्योंकि घर वाले आने वाले हैं, अगर उन्होंने गंदगी देख ली तो यकीन करें भाई जान मैं बता नहीं सकता किन अल्फाज में मेरी जो है ना खातर तवादा होगी। इसलिए चले पहले बर्तन धो लेते हैं, अजय जिंदगी च भांडे नहीं धोते, इन्होंने साल ने भांडे धोते मेरे को अज भाई ना धोता तो लित्र कोला होना सी, सीधी जड़ी गल है। बेबे ने कहना सी दो तीन सी करो बाहर की गए तू मगरों गंद पा के रखे का है, हूँ उन्होंने भी तो दसना ना कि मैं कामा पुत्र हाँ, हाले सफाइया रही, हाले ए सिर्फ छोटा जहा काम है,
ਸਫਾਈਆਂ ਆਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਲੋਕੀ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਜ਼ੈਨ ਬਾਬੂ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਬਾਬੂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਘਰ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਏ ਹੋਏ 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 घर में पार्टी रखना बड़ा मुश्किल काम है यकीन करें थक के आऊँ मेरी तुसी वेखा होएगा कि मेरी पंजाबी बाहर निकलने लग पई सी मैं इतना थक गया हूँ। मलिक साजिद मलिक शान वकास पा वकास आदिल भाई मियाँ ताहिर यार आप लोगों का बहुत शुक्रिया आने का लेकिन ताड़ा दुर फिटे मूँह थका के रख दिता जे अगे तो बाहर ही भाई खाना पीना मैं पहले दस दया ठीक है ना घर वाली कोई चक्कर नहीं घर कोई पार्टी शार्टी नहीं होनी मैं तुम्हें पहले दस रहा कोई गिला नहीं कोई शिकवा नहीं घर कोई पार्टी शार्टी नहीं होनी अगर तो बाहर ही भाजी जिथे भी कहो कि मैं हाजिर हाँ लेकिन घर वाले दोबारा दोबारा नहीं मैंने कहना कि घर पार्टी करनी गंद कि पाया मैं तुम्हें बहाना छत पे अभी ये भी मैंने साफ करना है अभी पूरा छत मैं यकीन करो इन्हों का गंद साफ कर करके थक जाना इधर भी पले पाता मैनू ये राज ये अपना आज का साथी जिसके साथ हमने पूरे घर की सफाई करनी है सफाई भाईजान जो है वो सफाई वैसे भी इसकी मांग है और साथ में इनकी चप्पल सही करो क्योंकि ये ना साड़ा ऐसी बनता सी जैन बाबू साहब बड़ा जैन बाबू खुद अपनी ईमानदारी से बताएं कि अगर इस तरह से गंद पड़ा हो कमरे में है तो घर वाले छोड़ेंगे मुझे नहीं ना तो फिर करना पैना भाईजान मैनू करना पैना जी ब्लॉग बनते रहेंगे अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त देखते रहिए मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कचरा साफ करने मैनू इजाजत दे दियो ठीक है अल्लाह निगहबान।